सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नोटिस बोर्ड के बारे में। नोटिस बोर्ड क्या होता है? जितने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके इन्फॉर्मेशन, मतलब जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके इन्फॉर्मेशन रखना, जो अपडेट्स होते हैं अपडेट्स को यहाँ पे शेयर करना, और बाकी जो साइट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होते हैं वो हम यहाँ पे रखते हैं नोटिस बोर्ड में हम डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, इस नोटिस बोर्ड में HSC पॉलिसी डिस्प्ले किया गया है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले किया गया है, HSC स्टैटिस्टिक रिपोर्ट डिस्प्ले किया गया है, HSC कमिटी मीटिंग MOM डिस्प्ले किया गया है, HSC सर्कुलर डिस्प्ले किया है, HSC अलर्ट डिस्प्ले किया गया है, HSC अवेयरनेस डेस्क डिस्प्ले किया गया है, HSC ट्रेनिंग डिस्प्ले किया गया है। हम इसमें TBT का जो शेड्यूल होता है वो डिस्प्ले कर सकते हैं, जो COVID-19 के प्रिकॉशंस है वो डिस्प्ले कर सकते हैं, इमरजेंसी एवैक्यूएशन का जो प्लान है हम इसमें वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये क्या है फ्रेंड्स, जो विजिटर्स आते हैं इनको देखने से एक अच्छा इम्प्रेशन, गुड इम्प्रेशन क्रिएट होता है। इनकेस कुछ इमरजेंसी होता है तो उसका जो प्लान होता है दोस्तों, इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान, वो भी हम इसमें शेयर कर सकते हैं, इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर कोई बंदा साइट पे अनसेफ एक्ट बार बार कर रहा है तो हम उसकी जो फ़ोटो होती है फ्रेंड्स, इसमें हम शेयर कर सकते हैं ताकि वो अगली बार ऐसा अनसेफ एक्ट ना करे। क्योंकि ये जो डिस्प्ले बोर्ड है ये हमेशा दिखता रहेगा तो हर उसी को भी शर्म आने लगेगा, तो ये करने से नेक्स्ट टाइम वो ऐसा कोई गलत काम अनसेफ एक्ट नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, तो ये जो है हमेशा हमारा जो TBT होता है वहाँ पर रखना पड़ेगा, असेंबली पॉइंट के पास। सो फ्रेंड्स, आप इस फोटो में देख सकते हो, ये भी एक नोटिस बोर्ड है। तो ऊपर में कंपनी का नेम रहेगा, उसका लोगो रहेगा, और जितने सारे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं उसकी एक कॉपी रहेगी, और यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है जो फ्रेंड्स उसमें ये लिखा हुआ है, मीट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेफ्टी। तो इसमें जब हम आएंगे हमारा मुखड़ा दिखेगा, हमारा चेहरा दिखेगा। तो इस तरह अलग अलग कंपनी में अलग अलग नोटिस बोर्ड जो है वो होते हैं दोस्तों। तो HSC ट्रेनिंग भी यहाँ पे लगा हुआ है, HSC अवेयरनेस डेस्क लगा हुआ है, HSC कमेटी मीटिंग लगा हुआ है, HSC सर्कुलर लगा हुआ है, सेफ्टी अलर्ट लगा हुआ है, जो कि हमारा कुछ इंसिडेंट अलर्ट होता है वो सब सर्कुलर करने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है। तो ये सब नोटिस बोर्ड में मिलता है दोस्तों। नोटिस बोर्ड को साफ़ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी होती है दोस्तों। ध्यान रहे, इसमें जो हम लोग पेपर्स डिस्प्ले किए गए हैं वो पेपर में पानी ना गिरे, हो सके तो उसे लैमिनेशन कर दें, और ख़ास तौर पे उसका ध्यान रखा जाए बारिश के सीज़न में। अगर पेपर में एक भी बूंद पानी जाएगा फ्रेंड्स तो ये ख़राब हो सकता है और दिखने में बहुत ही बेकार दिखेगा। हमेशा कोशिश कीजिए जितने सारे नए अपडेट्स है और इन्फॉर्मेशन है उसे इसमें अपडेट करने के लिए, क्योंकि नोटिस बोर्ड अगर अपडेट नहीं रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। और जो विजिटर्स होते हैं उनको मतलब कुछ इस तरह से रखिए, जो विजिटर्स होते हैं उनकी भी ध्यान नोटिस बोर्ड पर जाए, उनकी भी पता चले, वो भी आके पढ़ें नोटिस बोर्ड में क्या क्या है, क्या क्या कमियां है। और इसमें जो है आप स्ट्रेचर का जो डायरेक्शन होता है, जो आपका फर्स्ट एड का डायरेक्शन होता है या फिर आईवाश का डायरेक्शन होता है, वो सब आप इसमें शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। और जो नियर मिस के रिपोर्ट होते हैं वो भी हम इसमें शेयर कर सकते हैं, कितने रिपोर्टिंग हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ये भी एक नोटिस बोर्ड है जो कि आप देख सकते हो, पॉलिसी लगा हुआ है, एनवायरमेंटल पॉलिसी लगा हुआ है, वेस्ट मैनेजमेंट प्लान लगा हुआ है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट लगा हुआ है, मिनट्स ऑफ मीटिंग डिस्प्ले किया गया है, फायर ड्रिल जो है वो सब डिस्प्ले किया गया है, बैरिकेडिंग टीम जो होते हैं, हाउसकीपिंग टीम जो होते हैं वो सब डिस्प्ले किया गया है, इमरजेंसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होते हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्सिबल टीम जो है वो डिस्प्ले किया गया है, ट्रेनिंग क्या क्या होने वाले हैं वो सब डिस्प्ले किया गया है, मॉक ड्रिल डिस्प्ले किया गया है, TBT शेड्यूल डिस्प्ले किया गया है, लेसन लर्न जो होता है फ्रेंड्स वो भी डिस्प्ले किया गया है। तो ये सब इसमें डिस्प्ले करना चाहिए, और जितना हम अपने नोटिस बोर्ड को सुंदर बनाएंगे, हमारा कंपनी का नाम, हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम होता है वो उतना अच्छा दिखेगा। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम किस तरह अपने साइट को, अपने प्रोजेक्ट को हम रखेंगे सुंदर सजा कर। ये सेफ्टी पार्क का फ़ोटो है फ्रेंड्स, जो कि आप देख सकते हो,
बहुत सारे हेलमेट्स रखे हुए हैं अलग अलग डिजिग्नेशन के, हाई विजिबिलिटी रिफ्लेक्टिव जैकेट रखा हुआ है, सेफ्टी शू रखा हुआ है, हैंड ग्लव्स रखा हुआ है, कॉटन के, रबर के, लेदर के, गम्बूट रखा हुआ है, वेल्डिंग फेस शील्ड रखा हुआ है, ग्राइंडिंग फेस शील्ड, सेफ्टी गॉगल्स रखा हुआ है, वेल्डिंग अप्रॉन रखा हुआ है, फुल बॉडी हार्नेस रखा हुआ है, ईयर मफ, ईयर प्लग रखा हुआ है, शोल्डर पैड रखा हुआ है, फायर एक्सटिंगशर रखा हुआ है। तो ये जगह थोड़ा सा जो है कंजस्टेड है, थोड़ा सा कमी की वजह से सारे चीज़ें नहीं रखी गई है, लेकिन हम चाहेंगे तो जो एरिया होता है थोड़ा सा बढ़ा कर कर हम बहुत सारे जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं हम उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं, और बढ़िया से सुंदर से हमारा साइट को जो है ऑफिस के हम सजा सकते हैं फ्रेंड्स। ये भी एक सेफ्टी पार्क है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हो किस तरह से ड्राइंग किया गया है सारे इक्विपमेंट्स का, और एक माने कि उनका भी ड्राइंग किया गया है। तो कोशिश कीजिए आप भी अपने प्रोजेक्ट को, अपने साइट को कुछ इस तरह से रखने के लिए ताकि दिखने में एकदम सुंदर लगे और अच्छा इंप्रेशन आए फ्रेंड्स। ये रोड सेफ्टी वीक का पोस्टर है फ्रेंड्स, तो हमने एक स्टैंड बना लिया है और आप देख सकते हो उस स्टैंड में हमने इसको डिस्प्ले किया है। जहाँ असेंबली पॉइंट होती है हम लोग चाहेंगे तो जितने सारे पोस्टर्स है हम वहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं ताकि और अवेयरनेस क्रिएट हो सके, हम उन्हें और याद दिला सके बार बार। जैसा कि आप देख सकते हो हमने स्टैंड बना रखा है, स्टैंड में हीट स्ट्रेस का हमने डिस्प्ले किया है, तो इसमें जितने सारे कंटेंट्स होते हैं सब हीट स्ट्रेस के बारे में है। तो हम अलग अलग सीज़न में अलग अलग जो होते हैं एप्लीकेशंस हम वो ऐड कर सकते हैं और स्टैंड के ज़रिए हम डिस्प्ले कर सकते हैं। आप यह देख सकते हो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है इसमें, टाइप हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल के साथ आपका टाइप होगा उस हॉस्पिटल का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, और जो उस ये प्रोजेक्ट के उस साइट के जो हेड होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, चाहे सेफ्टी के हो या फिर एग्जीक्यूशन के हो, उनके नाम लिखा हुआ रहेगा, जो साइट सेफ्टी इंजीनियर है उनका नाम लिखा हुआ रहेगा, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सर्विस जैसे कि आप देख सकते हो फायर का, एम्बुलेंस का, पुलिस का लिखा हुआ है, और जो एम्बुलेंस है कंपनी का उसमें भी लिखा हुआ है भले ही मैंने ब्लोर कर दिया है, और जो कंसल्टेंटी है, ये है क्लाइंट है उनका भी नाम लिखा हुआ रहेगा, और इसमें प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ रहेगा, लोगो लिखा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से हम अपनी साइट को जो है अच्छा रख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोगों के पास पेंटर अवेलेबल नहीं है या फिर कोई दूसरा बजट की समस्या है तो आप सिंपल एक प्लाईवुड लेके कलर का जो प्रिंट आउट होता है उसको आप निकाल कर इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हो अपने साइट में, ताकि और अच्छा अवेयरनेस क्रिएट हो सके लोगों में, वर्कर्स में, विजिटर्स में, एम्प्लॉयज़ में। इस तरह आप इस फोटो में देख सकते हो किस तरह रखा गया है, लेकिन जो बोर्ड है नोटिस बोर्ड वो मेंटेन हुआ है फ्रेंड्स। जो सेफ्टी पोस्टर्स होते हैं हम उसको कुछ इस तरह से शो कर देने से, डिस्प्ले कर देने से अच्छा इंप्रेशन क्रिएशन होगा, और जहाँ पे हमारा टीबीटी होता है असेंबली पॉइंट के बगल में रख देने से हमेशा ही अच्छा जो है अच्छा लगेगा और एक अवेयरनेस क्रिएशन आएगा। उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो में सभी को कुछ ना कुछ नए सीखने को मिला होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय सुरक्षा।